और जो बंदा ये माफ करना सीख जाता है, दिल साफ कर लेता है, दिल से खत्म कर देता है गुस्सा, दिल से खत्म किया यार जा मैंने तुझे माफ किया। यार जिंदगी में कुछ मामलात अल्लाह पे भी छोड़ने चाहिए, ये सारे मामलात खुद ही नहीं बढ़ाने। जब बंदा सब्र कर जाए, जब बंदा दरगुजर कर जाए, जब बंदा माफ कर दे, फरमाया वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं जो बंदा माफी तलाफी वाले मामले शुरू कर देता है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी परेशानियों को खत्म भी कर देता हूँ, उसके सारे गुनाहों को मुआफ भी कर देता हूँ, जो सिर्फ मुआफ करना शुरू कर देता है। कहते हैं जी हजरत साहब मैं क्यों मुआफ करा, तुहानू नहीं पता उन्हें मेरे ना जुल्म किड्डा वड्डा कीता, आपको पता नहीं उसने मेरे साथ ज्यादती क्या की है। यार मुझे बतलाए जो यूसुफ अली सलाम के भाइयों ने की थी उससे भी बड़ी ज्यादती है। जब यूसुफ अली सलाम के साथ जुल्म हुआ, बीके दर बदर की ठोकरों के बाद, जेल के सारे प्रोसेस के बाद, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्मरानी अता की, अजीज मिस्र बने, और उसके बाद जब भाई आए हैं तो ये नहीं कहा कि इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया है, एक ही ऐलान कर दिया ला तसरीब अलैकुमुल यौम अन यग़फिरल्लाहु लकुम, आज के दिन किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं है, परेशान नहीं होना, मेरे सामने निदामत नहीं करना कि पता नहीं भाई हमें माफ करेगा कि नहीं। यूसुफ अली सलाम ने ला तसरीब अलैकुमुल यौम के लफ्ज बोल के सबके चेहरों पे मुस्कुराहट को बिखेर दिया, और पता क्या कहा, नज़ग शैतानु बैनी व बैना इख्वाती, मेरे भाइयों आपका कोई कसूर नहीं है, मेरे भाइयों आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई इसमें साजिश नहीं है, ये तो शैतान की चाल थी, उसने हमें अलहदा करने की कोशिश की है, हम अल्लाह की तौफीक से अलहदा नहीं हुए, अल्लाह ने हम फिर हमको दोबारा इकट्ठा कर दिया है, परेशान नहीं होना, ये तो शैतान की चाल थी।